प्रातः क्लास चल रहा था 23 दिसंबर 1968 सोमवार को। पांचवें पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। शिव बाबा ने कहा, मैं तुमको पुरुषोत्तम ऊंचते ऊंच पुरुष बनाने के लिए आया हूं। यहां पुरुषोत्तम संगम युग अभी यहां हूं। अभी तुम यहां याद करेंगे, पहले तो मैं परम धाम में था और अभी तो यहां जो भी है वो सब शूद्र संप्रदाय, वो शूद्र संप्रदाय सब वहां ऊपर में याद करेंगे। देखो, शूद्रों में और तुम ब्राह्मणों में कितना फर्क है। तुम कहां भी होगे दुनिया में, विलायत में भी होंगे, तभी भी यही तो जरूर जानेंगे कि बाप ब्रह्मा के तन में आए। और ब्रह्मा के तन में आए हैं तो ब्रह्मा का तन तो जरूर याद पड़ना पड़ेगा, याद करना पड़े, नहीं तो वो आए कहां भटकता है क्या ऐसे। जरूर करो, शरीर में आएगा, हमको चाहिए। तो देखो, तुम अभी कहां भी बैठे हो या बैठे हुए होंगे तो जरूर याद करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा का भी जरूर तन तुम्हारे को याद करना पड़े, नहीं तो बेहद के बाप को कहां याद करेंगे। तो ऐसे भी कई कई बच्चे बुद्धिहीन होते हैं जो ये भी नहीं मानते, ब्रह्मा को भी नहीं मानते। बाबा ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा को नहीं याद करो। ब्रह्मा की याद करने बिगर शिव बाबा याद कहां से आएगा। आधार तो चाहिए, तो सिर्फ बाप कहते हैं कि ब्रह्मा के तन में आता हूं और मैं तन में ही आता हूं, मुझे तुमको याद करना है। बताते हैं कि ऊपर में अभी मैं नहीं हूं, अभी मैं साधारण ब्रह्मा के तन में हूं। तो मुझे उस ब्रह्मा के साधारण तन में याद करना है कि बाबा जो है वो अभी ब्रह्मा के तन में है। इसलिए उनको हम दादा या बाबा या बाप और दादा दोनों याद करते हैं। ये आत्मा को याद करते हैं और फिर दादा भी स्थूल में याद करते हैं। हम उसमें भी हम उनका जो आत्मा है उनको, जैसे तुम अपन को आत्मा को याद करते हो ना बैठ करके, अपन को आत्मा समझो आत्मा समझो। अब ये तो ज्ञान बच्चों में है कि इनको अपनी आत्मा है और उनको अपनी आत्मा है शिव बाप को। इनका वो अपना सिर है
उस सिर में अपनी आत्मा है और वो अपना सिर है, यानी उनको शरीर तो अपना नहीं है ना। ये तो समझते हो कि बाप ने कहा है मैं तो प्रकृति का आधार लेता हूं, तो ये तो अभी अच्छी तरह से समझ गए हो। तो बरोबर बाप जो इतना बैठ करके ये सारे ब्रह्मांड और ये सृष्टि, ब्रह्मांड में जहां रहते हैं उस ब्रह्मांड का भी समाचार सुनाते हैं ना, और वो ब्रह्मांड को दुनिया में कोई नहीं जानते। ब्रह्मांड का भी राज देते हैं कि ब्रह्म, जिसे ब्रह्मलोक में हम और तुम अंडे मिसल रहते हैं, और हम हैं सुप्रीम अंडा। सुनाने वाला तुमको ये राज, और हम जो आत्माएं हैं सुप्रीम हैं या नॉन सुप्रीम हैं, वो सभी रहने वाले उस ब्रह्म तत्व के हैं। हमारा वो घर है जिसको शांति धाम, बहुत अच्छा मीठा धाम है, नाम ही कह देते हैं शांति धाम में रहने वाले। अभी ये बात तुम्हारी बुद्धि में है, जो जो भी बच्चे अच्छा धारण करते हैं या बरोबर हम असल के रहवासी कहां के हैं, तो हम अपने ब्रह्म तत्व में हैं। हाँ, जहां सूर्य चांद नहीं होते हैं, जिसको निर्वाण धाम भी कहा जाता है, वानप्रस्थ भी कहा जाता है, क्योंकि सब बातें तुम्हारी बुद्धि में रहती हैं। हाँ, दूसरे कोई मनुष्य में ये बात एक भी बात नहीं रहती, किंचक भी नहीं, क्योंकि जब भक्ति है तो भक्ति है। तो जब तक भक्ति है तो भक्ति ही कहेंगे, ज्ञान का नाम निशान नहीं, एक अक्षर भी नहीं। इसलिए इसको वो कलयुग के बदली में पुरुषोत्तम संगम वो नाम रख दिया, अलहदा युग है, चेंज होने का धन है, धन भी चेंज होता है, ये तो जानते हो ना। नई दुनिया में देवता रहते हैं, पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, तो इन असुर दुनिया को चेंज करने के लिए बाप को संगम युग पर आना होता है। तो तुमको सभी मालूम होता है, क्योंकि सतयुग में जाएंगे, और जब सतयुग में जाएंगे तो तुमको पीछे वाला या पिछाड़ी का कुछ भी मालूम नहीं रहेगा। अभी तो कलयुग में हो तो फिर कुछ भी मालूम नहीं रहेगा फिर तुमको, समझे ना, जरा अभी मालूम नहीं। अभी कलयुग में हो तो नई दुनिया का अभी तुमको कुछ भी नहीं मालूम है।
भक्ति मार्ग में तुम नई दुनिया को लाखों बरस ऊपर ले जाते हो। तो जब नई दुनिया में हो तो पुरानी दुनिया का पता भी नहीं है तुमको, और जब पुरानी दुनिया में हो तब तुमको नई दुनिया का पता भी नहीं। बल्कि पता है वो तो कोई भी समझेंगे कि भाई ये पुरानी दुनिया है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। बाकी नई दुनिया कब थी देखो वो तो लाखों बरस हुई, उनको कुछ पता है कुछ भी पता नहीं। तो वेद का बाप आकर के अभी संगम युग पर सो भी कल्प कल्प आते हैं, हर 5000 वर्ष बाद आकर के समझाते हैं। इस क्रिएशन रूपी झाड़ मनुष्य का वैरायटी झाड़ सो भी उसका बैठ करके सारा राज समझाते हैं। और ये चक्कर कैसे फिरता है वो भी तो बैठ करके समझाते हैं। देखो समझाते हैं ना तुमको, तो तुम्हारा धंधा क्या रहा समझाने का, क्योंकि ये समझानी तो बहुत अच्छी होती है ना। आगे तो एक एक को बैठ करके समझाते थे, अभी एक एक को समझाने से तुमको तो पता नहीं कितना टाइम लग जावे। दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज। तो अब एक एक को समझाने के बदले एक दो को समझाते हैं, अभी तो बहुतों को समझाते हैं और अभी बहुत समझते रहते हैं कि तुम्हारा फर्ज ही वहां जो बाप समझाते हैं इस झाड़ की उत्पत्ति पालना और विनाश का, बस तुमको यही मीठी बातें बैठ करके बहुतों को समझाना है। अभी समझाते भी हो, बहुत प्रदर्शनी करते हो, ये करते हो वो करते हो, बहुत समझाते हो ना। तो जैसे समझाते हो वैसे ही जब शिव की जयंती होती है तो और अच्छी तरह से बैठ करके सब जो भी है बुलाए बुलाए करके बहुतों को खास बैठ करके फिर भी यही बातें समझाएंगे, तुम और क्या समझाएंगी उनको कि बाप और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इस सृष्टि की आयु कितनी है आदि मध्य अंत, तो इसकी ड्यूरेशन इस खेल की कितनी है, कितना दुनिया की आयु कितनी है, तो तुम ये बताएंगे ना बच्ची एक्यूरेट दुनिया की आयु। ये एक टॉपिक रही, जैसे हम ये समझाएंगे, क्योंकि जो जो तुमने समझा है वो है तुमको समझाना, और जो तुमको समझाते हैं वो समझने से तुम देवता बन जाते हो, तो तुम भी औरों को समझाएंगे जैसे समझाया है, जैसे देवता बनते हो ऐसे बैठ करके औरों को भी ऐसे ही समझाते हो। उस समझने से ये सीमत से कि बाबा ने जो हमको समझाया है हम शास्त्र वगैरह सब पढ़े हुए हैं, हम शास्त्र की ग्लानी नहीं करते हैं, कोई चीज की ग्लानी नहीं करते हैं।
ऐसे मत समझो। हम ये बताते हैं वो भक्ति मार्ग है जिसको दुर्गति का मार्ग कहा जाता है, प्रैक्टिकल में देख लो। और ये ज्ञान मार्ग है जिसको सदगति का मार्ग कहा जाता है। और सदगति करने वाला तो सदगुरु एक ही है ना कि अनेक है? अनेक गुरु हैं डुबोने वाले, और एक गुरु है फिर सबको पार करने वाला। ऐसी ऐसी पॉइंट्स अच्छी तरह से बैठ करके निकाल निकाल कर अगर ये मुख्य और बैठ करके समझाओ कि भाई ये भक्ति अनराइटियस है और ज्ञान राइटियस है, क्योंकि ज्ञान एक से आता है, भक्ति अनेकों से आती है। देखो तो ये राइटियस है ना, जो अनराइटियस होते हैं वो अनराइटियस राइटियस को माथा टेकते। तो राइटियस है अर्थात उनमें नॉलेज है, जिनमें वो नॉलेज है उनको वो नॉलेज कहां से मिली? भगवान से मिली, जो नॉलेजफुल है। उससे पहले तो तुमको ये नॉलेज मिल ही नहीं सकती है। तो ऐसे ऐसे बच्चे पॉइंट्स निकाल कर करके, हाँ क्योंकि आपस में अच्छे अच्छे बच्चे भी तो है ना, तो सब मिलकर के जैसे सेमिनार करते हैं ना, मंगाते हैं अच्छे अच्छे बच्चियों को भी मंगाते हैं, उनको भी मंगाते हैं। तो बैठ कर करके सुना तो सब कुछ है, ऐसे नहीं है कि बाबा कोई नई बात सुनाते हैं। तो ऐसे समझ कर करके पॉइंट से निकाल कर करके वो जो रंग है उसको राइट बातें समझाओ। भाई वो है भक्ति मार्ग, अनराइटियस मार्ग, और ये है ज्ञान मार्ग। वो जो ज्ञान मार्ग है वो एक ही दफा, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही बाप है, वो ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे नहीं है कि फिर सतयुग में आकर के कोई ज्ञान सुनाएंगे, ना ना, ज्ञान सुनाए सारी दुनिया को सदगति, सबकी ही सदगति कर देते हैं। जब सबकी सदगति कर देते हैं तो बाद में दुर्गति का तो मनुष्य कोई होता ही नहीं, जिसको ज्ञान की दरकार रहे। और जब दुर्गति है, भक्ति मार्ग है, तब ज्ञान तो है ही नहीं, नाम ही है उसका भक्ति मार्ग। तब बाप आए करके भक्ति मार्ग को चेंज करे, पूरी दुनिया में जो भक्ति मार्ग फैला हुआ है तो क्या कहेंगे? रावण है, माया है, वो हेल बनाई देती है दुनिया को। बाप आते हैं, हेवन बनाई देते हैं। वो हैविन और हेल का तो खेल ही है ना बच्चे, सुख और दुख का खेल है। हैविन कहा जाता है सुख, और हेल कहा जाता है दुख को।
तो ये सुख का और दुख का खेल कैसे होता है? और कैसे ये भक्ति मार्ग शुरू होता है? कैसे ज्ञान मार्ग शुरू होता है? और जो ज्ञान है सो सिवाय रूहानी बाप और तो कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि इस दुनिया के मनुष्यों में कभी कोई ज्ञान तो होता ही नहीं है। मनुष्यों में कभी भी ज्ञान नहीं होता है। अरे भाई, क्या देवताओं में ज्ञान होता है? नहीं, देवताओं में भी ज्ञान नहीं होता है। बाप सिर्फ आते ही है संगम युग पर, तो वो वहां ज्ञान की प्रारब्ध है, वो भक्ति की। और क्या है उनको प्रारब्ध? दुख की प्रारब्ध। और वो है नई दुनिया में सुख की प्रारब्ध। तो ऐसी ऐसी बातें जब तुम बैठ करके अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करके समझाएंगे, ये विचार सागर मंथन है ना बच्ची, जिस विचार सागर मंथन से ज्ञान अमृत निकलता है। तो जब भी तुम अच्छी तरह से सुबह को या शाम को भी बैठेंगे ना अच्छी तरह से, तो बहुत पॉइंट से निकलेगी। देखो ये भी बैठते हैं तभी तो ये मैगजीन लिखते हैं ना, नहीं तो ऐसे थोड़े ही मैगजीन लिखी जाती है। तो मेहनत है सब लिखने करने में, तेईस बारह 1968 की प्रातः क्लास का सातवां पेज। मैगजीन लिखने में भी बड़ी मेहनत लगती है, उसके लिए एकांत चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जो विचार सागर मंथन करके लिखी जाती है समझ करके दुनिया को समझाने के लिए, तो सभी एकांत में विचार सागर मंथन करके बैठ करके, क्योंकि हिंट तो मिलती है बाप से। ओम शांति।